है यही आखिरी इंतहा साथियों, एक तरफ मौत है एक तरफ जिंदगी, बीच से ले चलो कारवां साथियों साथियों साथियों। कूट का दुश्मनी का अंधेरा भी है, हर कदम पर गरीबी का डेरा भी है, सिर्फ रातें हमारी नहीं है सियाह, धुंधला धुंधला सा अपना सवेरा भी है। जैसे शोला भड़कता है भर दो कभी यो हो, जैसे शोला भड़कता है भर दो कभी, होता जाता है गहरा धुआं साथियों साथियों साथियों। अपना सहरा भी एक, अपना गुलशन भी एक, अपने कांटे भी एक, अपना दामन भी एक, एक दिल में मचलते हैं अरमान कई दिल, मगर एक है दिल की धड़कन भी एक। फूल तो फूल कांटों पे आए निखार, यूं सजाओ नया गुलस्तान साथियों साथियों साथियों। फासले सब दिलों के मिटाते है। ये सब कौन है? बड़ी लंबी कहानी है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगी। अब डॉक्टर साहब आने वाले हैं। हेलो मारिया। हेलो डॉक्टर साहब। क्वाइट कंफर्टेबल? कल के ऑपरेशन के लिए तैयार हो ना? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कम से कम एक हफ्ता और चाहिए। एक हफ्ता? सुनो मारिया, तुम पुर्तगाल की जेल से अपना दिल सलामत नहीं लाई,
हार्ट वाल्व बहुत बुरी हालत में है। ऑपरेशन फौरन न किया गया तो तुम्हारी जान को खतरा है। खतरे से तो मेरी पुरानी जान पहचाने डॉक्टर साहब। मगर मारिया, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? किसी आदमी का? कई आदमियों का, साथ हिंदुस्तानियों का, जो दूर दूर से आएंगे। इसलिए डॉक्टर साहब, एक हफ्ते की मुहलत दे दीजिए प्लीज। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इन 7 दिनों में नहीं मरूंगी। लेकिन ऑपरेशन आज से 8वें दिन जरूर होगा। ठीक। और कुछ? हाँ, तुम ये जान बचा सकती हो। मैं कहिए, 6 तार भेजने हैं। पते अलग अलग होंगे मगर तार का मजमून एक ही होगा। मैं समझी थी आप बहुत बड़ा काम बताएंगी। ये तार भेजना भी बहुत बड़ा काम है सिस्टर। तुम्हें नहीं मालूम, मुझे आदमी ही मेरी जिंदगी में सब कुछ है। कहिए क्या लिखना है। लिखो, मौत मेरा इंतजार कर रही है और मैं तुम्हारा मरिया। और इनके पते? इतने सालों के बाद आज भी मुझे जबानी याद है। लिखो, सुबोध सन्याल, 117 लोअर चितपुर रोड, कैलकटा 7। बरनाला, जिला अंबाला, पंजाब। खेल रही है? उगे, तू की कर रही है? मैं गुरमुखी किताब पढ़ने पाई हूँ। गुरमुखी? कमाल है। जो पिछली मर्दमशुमारी विच ऐसा लिखवाया सी कि सड़ी भाषा हिंदी है, तो फिर सड़े बच्चों नूं गुरमुखी कादे वास्ते पढ़नी पैंदी है? पापा जी, ए कौन है? कौन? किथे? ए दीवार ते। दीवार? किथे दीवार?
करूंगे। ए सारे तेरे अंकल ने ते ए तेरी आंटी। पापा जी ये अंकल आंटी सानू मिलन क्यों नहीं आउंगे? आउंगे आउंगे। पापा जी जब भी इतने आउंगे तो मैं उन्हें खान वास्ते मक्की की रोटी के सरों का साग देंगी। वो ठंडी छाप लस्सी तो है किला। अब आप वीरेन त्रिपाठी से मैं क्या जी थोड़े पीछे ए तार आया सी। आज गृह मंत्री ने संसद में घोषणा की कि वर्तमान पंजाब प्रांत को बांट के दो प्रांत बना दिए जाएंगे, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा प्रांत को जो जिले दिए गए हैं वो हैं अंबाला, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव। याद है एक होद बंटवारा सवेरे ट्रैक्टर चलाने वास्ते गया है तो सड़ा फान पंजाब विच सिका हूं मुंह क्या है तो हरियाणा प्रांत विच हो गया है। सारे बटवारे पंजाब दे ही क्यों होंदे ने? जवाब दो, तुसी सारे जवाब दो। पंजाब दी अकनका तुहाडा सारे आदा टिड पर दिया ने। पंजाब दा फौजी जवान तुहाडी रक्षा लई फ्रंट दे सर तरदी बाजी लाउंदे ने, फिर भी जद बटवारा हुंदा है तो पंजाब दा ही क्यों? मैं पूछदा क्यों? रब दे वास्ते तुसी बैठ जाओ, एना ना चिल्लाओ, तुहाडा ब्लड प्रेशर फिर वध जाऊंगा। महादेवन हिंदी प्रचारक नंबर 117 मैलापुर मद्रास। ये तो वरेज बोरम लक्ष्मी। शिवा शिवा बोल गई है ना? आपको लगी नहीं हिंदी की पुस्तक है? ना बोल रहा ले हिंदी में ना मैंने आपका यूं मैंने सुना हिंदी परिक्रमा में हिंदी में लोगों से बात करने के लिए जवानी की तस्वीरें हैं जो जमाने के साथ मिटती जा रही हैं। सिता हमारा हिंदू सिता हमारा सारी जहां से अच्छा हिंदू தம்பி டெலிகிராம் இதோ ஹிந்தியில இங்கிலீஷில் ஹிந்தியில் சார் அப்படி நான் இப்ப வேண்டாம் மொதல்ல தமிழ்ல மாத்திக்கொண்டா இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் ஆகுது இங்க யாருக்கும் இங்கே தெரியாது சித்திரம் ரொம்ப விசித்திரமா சித்திரம் ரொம்ப விசித்திரம் ராம் பகத் சர்மா தைனிக் ஹிந்துஸ்தான் கிஷன் டோலா बनारस। बहुत अच्छा, अगर आप कहती है तो नहीं देखेंगे। तो हमारा हिंदी सेना का अंग्रेजी हटाओ आंदोलन कैसे चल रहा है? आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। सभी शहरों से यही खबरें आ रही हैं। अलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नागपुर, मद्रास, मदुरा। मद्रास और मदुरा? क्या हमारा आंदोलन वहां भी चल रहा है? क्षमा कीजिए, ये हमारा अंग्रेजी हटाओ आंदोलन नहीं है, वहाँ हिंदी के विरुद्ध आंदोलन चल रहा है और वो भी जोर पकड़ता जा रहा है। फिर तो मुझे दक्षिण भारत भी जाना होगा। गोवा में तो हमारे साथ एक दक्षिण भारतीय था। महादेवन
है महादेवन। जो पहले हिंदी प्रचारक था वो अभी हिंदी के विरुद्ध संघर्ष में भाग ले रहा है। महादेवन, तुमने मुझे मद्रास आने का निमंत्रण दिया था ना, अभी आता हूँ मद्रास। मद्रास या फिर गोवा जा रहे हो? गोवा? गोवा में कौन है सिवाय एक मारिया के, वो तो हमें भूल भी गई होगी। लगता है अभी तक नहीं भूली, ये 4-5 दिन हुए आया है। तो पहले तुमने मुझे क्यों नहीं दिया? तुम्हें तो मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं है, और फिर आज ही तो यात्रा से वापस आए हो। पूछा, वो बीमार है, मुझे आज ही गोवा जाना होगा। तुम गोवा जाओगे मुझे छोड़कर? मैं मजबूर हूँ शाह, मुझे गोवा जाना ही होगा। अंदर अली, मजरुल हक मार्ग, रांची, बिहार। अरे सुना भाई, जरा ये तो पढ़िए, साहबजादे साहब का खत आया। क्यों अनवर मियां, अभी तक आप हिंदी नहीं पढ़ते? तौबा करो जी, ये अरंतु परंतु की भाषा अपने बस की नहीं। हाँ तो क्या लिखते हैं महमूद मियां? पूज्य पिताजी सादर प्रणाम है? आशा है आप और माताजी कुशल पूर्वक होंगे। राहुल बिलकबत, क्या जबरा तोड़ जबान लिखी है, लड़के को मसूरी के कॉन्वेंट स्कूल में अंग्रेजी सीखने के लिए भेजा था और वहां से पढ़ा रहे हैं हिंदी। क्यों अमजद, खैरियत तो है? बड़ी बुरी खबर है मियां, आपके घर में आग लगा दी गई। आग? लेकिन साहब हमारा बच्चा तो खैरियत से है। जी वो तो खैरियत से है, मिसेस सिन्हा उन्हें अपने घर ले गई थी झगड़ा होने से पहले। रांची में और झगड़ा, लेकिन किस बात पर हुआ है? ये तो नहीं मालूम हुआ साहब, कुछ लोग उर्दू हिंदी का नाम ले रहे थे। अम्मी हमारे घर में आग क्यों लगा दी गई है? अपने अब्बा से पूछो या सिन्हा साहब से पूछो। कुछ लोग पागल होते हैं बेटा, और कुछ लोग पागल बना दिए जाते हैं, मगर इस पागलपन को दूर करना चाहिए। मैं आज ही अपने दोस्त शर्मा को खत लिखूंगा, वो हमारे साथ गोवा में था, उसके कलम में बड़ी ताकत है। और आप समझते हैं कि वो उस ताकत को आपकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करेगा? जरूर, गोवा में हमने कसम खाई थी कि कोई भी साथी मुसीबत में हो सब उसकी मदद को आएंगे। वही राम भगत शर्मा जो हिंदी सेना का नेता है? तो क्या हुआ, वो हिंदी की तरक्की के लिए कोशिश करता है, मैं उर्दू के लिए, कोई दुश्मनी है हमारी? हाँ है भाई साहब, सर पढ़िए वो हिंदी का अखबार, क्या लिखा है इनके दोस्त ने। पढ़ो पढ़ो सिन्हा पढ़ो। श्री राम भगत शर्मा ने उन लोगों को जो उत्तर प्रदेश और बिहार में उर्दू के लिए चीख पुकार कर रहे हैं चेतावनी दी है कि उनके लिए एक अलग मुल्क बना दिया गया है। सुन लिया ना, मैं तो कब से कह रही हूँ कि इस मुल्क में हमारे लिए कोई जगह नहीं। सब कुछ जलकर खाक हो गया। लारा 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 शुक्राम शेरगांव डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी महाराष्ट्र। भूमि माता ही वीरांची, शौर्यशाली शिवाजीची, झाशीवाल्या लक्ष्मीची, भगत सिंगांची, लोकमान्य टिळकांची, सुभाष चंद्रांची आणि महात्मा गांधींची, जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुरांची, पर्याज होरपळती ही आग भडकली बेकीची, म्हणून जनतेला विनंती माझी सखाराम शाहिराची, पणाला ओनी प्राण। तुम्ही खूप थकलाय, जरा आराम करा, मी सकाळी येते। तुम्ही बघा लई कष्ट करता, जवा बघावं तवा गाणं, गळ्याला विसावा नाही दिला तर आवाजाला कायम चमकावं लागल। खरं सांगू का,
बाजी काळजी घ्यायला आता कोणतरी माणूस पाहिजे तुझ्या सारखा ती आहे ना व तिचं काय ती ती माझी बहीण असं नाव हो काय तिचं मरिया मरिया म्हणजे किरिस्ताव आणि ती तुमची बहीण हो कशी ते फार मोठं रामायण सांगेन केव्हा तरी मी फार थकलो आहे तो एक झकास लावणी मन आज पासन मैसूर सीमा सत्याग्रह सुरू झाला आहे आघाडीला तुमचा डब कडकलाच पाहिजे चला 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 मी चलतो मी पण येते तुमच्या बरोबर तू कशाला तिकडे काय तमाशा करायचा मी येतो बहीण म्हणे सखारामाची तार आहे मरिया जहां तक गोवा का सवाल है वहां भी हमारी नीति वही शांति की है लेकिन एक बात मैं आपसे कहा चाहता हूं कि गोवा पोर्चुगल का इम्तिहान हो चाहे नहीं गोवा इस वक्त दुनिया के हर मुल्क का इम्तिहान हमारे सत्याग्रह गोवा की सरहद से किस हालत में वापस आए हैं ये बहादुर जवान पहुंचे ही थे कि पुर्तगालियों ने जा लिया न जाने कैसे दुश्मन को हमारे सत्याग्रह के बारे में इतनी जानकारी हो जाती है कि हमारे वॉलंटियर कहीं भी सीमा पार करें पुर्तगाली उनके स्वागत को वहीं तैयार मिलते हैं गोवा के लोगों को हमारे सत्याग्रह के बारे में कुछ नहीं मालूम वो बेचारे समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान वालों ने उन्हें भुला दिया है इसलिए हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा इस काम के लिए मुझे 6 नौजवानों की जरूरत है जो सर पर कफन बांधकर गोवा की यात्रा करने को तैयार हो मुमकिन है वो जिंदा वापस ना आए क्या मैं समझूं इस हॉल में भारत माता का एक भी सपूत नहीं है जो शाबाश खड़े होकर अपना परिचय दीजिए क्या नाम है तुम्हारा कहां से आए हो लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह के पंजाब से जोगिंद्रनाथ रविंद्रनाथ ठाकुर और नेताजी बोस के बंगाल से सुबोध सनाल रानी झांसी और चंद्रशेखर आजाद के उत्तर प्रदेश से और सुब्रमण्यम भारती के तमिलनाडु से महादेवन छत्रपति शिवाजी महाराज अनिबाल गंगाधर तिलक के महाराष्ट्र से सकाराम शिंदे मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से अनवर अली अनवर मैं 6 नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं कि इन्हें क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं जरूर क्या वतन पर जान देने के लिए इस यात्रा पर आप हमारे साथ चल रहे हैं नहीं मैं पूछ सकता हूं क्यों नहीं मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता अगर मैं चल सकता 18 जून की पहली सत्याग्रह में पुर्तगाली पुलिस ने यह तोहफा मुझे दिया था आजाद साहब हम गोवा कब जाएंगे जब तुम ये सीख लोगे कि किसी की जान लिए बगैर अपनी जान की हिफाजत कैसे की जाती है आजाद जी क्या ये मुमकिन है हाँ ये मुमकिन है यही सब तुम्हें सीखना होगा जंगल के रास्तों से रोज 20-30 मील पैदल चलने के लिए क्या तुम्हारी टांगों में दम है मैं आर्मी में रह चुका हूँ जी इमरजेंसी कमीशन कमांडो कोर्स भी किया कश्मीर के एक्शन में हिस्सा लिया था ये भी एक किस्म का कमांडो कोर्स ही है और तुम आमच्या धंद्यामध्ये फार चलायचं आहे साहेब हम हर गाव पैदल चल के जाते हैं क्या काम करते हो तुम मैं पावड़ा गाता हूँ और तमाशा करता साहेब मैं भी गांव गांव घूमता हूँ हिंदी प्रचार के लिए मगर तुम तो तमिलनाडु के रहने वाले हो क्या वहाँ के लोग हिंदी पढ़ते हैं हाँ क्यों नहीं और बंगाली बाबू तुम मेरे लिए तो लंबा चलना मुश्किल नहीं है मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ आपने तो मोहन बागान का नाम सुना है कोई कठिन कार्य नहीं मैं कॉलेज के दिनों से स्वयं सेवक रहा हूँ मगर ये श्रीमान जो शेरवानी पहनकर बैठे हैं क्या
क्या आप समझते हैं दो से तीन मील भी चल सकेंगे? आप क्या करते हैं साहब? जी वो मैं शायरी करता हूं। वाह वाह, तो जब पुर्तगाली पुलिस हमें घेर लेगी तो श्रीमान आप क्या करेंगे? उन्हें महाकवि गालिब के शेर सुनाएंगे? जी हां, लेकिन ये गालिब ही उर्दू के शायर नहीं थे, और भी शायर थे जैसे रामप्रसाद बिस्मिल, जो ये शेर पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। शबाश कबान डबल अप डबल अप डबल अप डबल अप। अरे जोगिंदर, अब इनको कराटे सिखाओ। जानते हो कराटे में तुम्हारे हथियार क्या होते हैं? तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारे उंगलियां भी। मारो अनवर, मारो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। हंसी हंसी में गल फंसी हो जाती है शर्मा जी, एक दिन यूं ही मैं भी मजाक करूंगा, फिर देखूंगा आप कितना हंसते हैं। इस जालों क्यों दुख दे रहे हो? पुर्तगालियों का मुकाबला करने के लिए या शर्मा से बदला लेने के लिए? शाबाश, आपको मार के आने के लिए। मुझे? मैं की क्या? आपने तो कुछ नहीं किया, मगर इम्तिहान पास करने के लिए मुझे आपका मुकाबला करना पड़ेगा, नहीं तो आजाद साहब मुझे आप लोगों के साथ नहीं भेजेंगे। आप लोग चले जाइएगा और मैं यही रह जाऊंगा। बेफिक्र न कर, तुझे कोई जोड़ के नहीं जाएगा। चल चल। अरे बस बस महादेवन, बस बस। अनवर क्या कर रहे हो? मारो जोगिंदर को। शाबाश, बढ़के कमान। कुछ दिन कहेंगे किधर की औलाद, चूड़िया पहन के घर क्यों नहीं बैठा? सूर्य पुत्र। अरे बस बस बस, बंद करो बंद करो। माफ करिएगा जोगिंदर साहब, मैंने शायद आपको ज्यादा कस के मार दिया। अरे मैं तो चाहता ही था तू जोर से मारे। अब तुम लोग गोवा जाने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन याद रहे कि तुम एक पिकनिक नहीं बल्कि फौजी मोर्चे पर जा रहे हो। तुम्हारा कोई एक कमांडर नहीं होगा, हर शख्स बारी बारी कमांडर बनेगा और उस दिन सबको उसका हुक्म मानना पड़ेगा। क्या हम अपने अपने गोर चिट्ठी लिख सकते हैं कि हम गोवा जा रहे हैं? नहीं, कोई खत पत्र नहीं लिखा जाएगा। अब तो तुम्हें सत्याग्रह कैंप में भी वापस नहीं जाने दिया जाएगा। मगर वो हमारा सामान, वो सब आ जाएगा। मगर आजाद साहब, अगर हम वापस नहीं जाएंगे तो दूसरे सत्याग्रही हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे कि तुम बुजदिल हो, डरपोक हो, कायर हो। मगर हमें बदनाम करने की क्या आवश्यकता थी? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे चलने से पहले ही दुश्मन को पता चल जाए कि तुम किस जगह किस वक्त सीमा पार करोगे, और उनकी तरह तुम्हारे अखबारों में फोटो नहीं छपेंगे, तुम्हारा कोई नाम नहीं जानेगा। अब तुम बेनाम हो, यूं समझो कि तुम मर चुके हो। आज शाम के 5:30 बजे
पूना स्टेशन पर तुम इकट्ठे होंगे। मगर सब अलग अलग रहना जब तक ट्रेन चलना पड़े। एक दूसरे को पहचानना है। बेलगम वाली ट्रेन का चौथा डिब्बा तुम्हें मेरे सर पर। किसी को उसमें घुसने न देना। और खिड़कियां बंद रखना। आंधी आए या तूफान कोई हम नहीं, अली आखिरी इम्तिहान साथियों। एक तरफ मौत है एक तरफ जिंदगी, एक तरफ मौत है एक तरफ जिंदगी। पीछे ले चलो कारवां साथियों। आज तो बेटा कौन कमांडर बन रहेंगे। ठीक है, बहुत ही शुद्ध विचार है। आओ फिर आओ, पर्चियां निकालो। आज के कमांडर हैं जोगिंदर नाथ। ख्याल रखी कोई अंदर ना आवे। अरे घाबरू ना जाओ, नहीं आई स्टेशन पर कौन है? गरीब मान लगता है, बिना टिकट जाकर मास्टर के दफ्तर चले लगता है। हम को अंदर ले लो, गरीब गिर के मर जाएगा। खोल दे दरवाजा आने बेचारे को। हमारा बाकी तो चला था, दो रुपए का चमेली का बाकी है। वो हमारा धंधा कैसा होगा? एक ही धंधा है तेरा। धंधा क्या है साहब? 20 times मैट्रिक फेल और मालिश करता है, तेल मालिश। माई उंगलियां जादू सर, जादू। कौन भी काम का थकेला हो, कौन भी जिंदगी का हरेला हो, चंपी का एक हाथ चलाएगा, जागे ना मैं को सुलाएगा। ओनली 20 paisa सर, चंपी का 20 paisa। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह लोग। 1 rupee लेगा सर, 2 rupee का बाटली टूटेला है, 1 rupee कमाएगा। कोई पहले से मेरी मालिश कर दे, मेरे मस्तक में घनघोर पीड़ा हो, चिंतित इस यात्रा के कारण। इनके लिए तो ये डिफरेंस ना सिर्फ हाथ है जो कि मुझे खतरनाक भी है। हाथ और खतरनाक क्या हवाई में जा रहे सर? हाँ लड़ाई समझो, इनकी शादी होने वाली है कल। अच्छा हो, माफ करना एक बात पूछे, आप लोग अलग अलग जाति का लोग है और अलग अलग देश का लोग है, सबको ऑल इन वन देके बहुत ताजुब है। ताजुब कर जरा, हम लोग सब अपने दोस्त के बारात में जा रहे हैं। पुर्तगाली लोग बड़ा जालिम, और फिर अपना गोवा पीपल जो तो अपना भाई है, इनका आजादी के वास्ते कुछ करना चाहिए।
क्यों जा रहा? भूलोगी साहब, भूलोगी, माफी दे तो भूलोगी साहब, हम चोर दिए साहब, गरीबी ने हमको चोर बना दिया, घर में माँ भी मर है, बहन के शादी ने बगैर का एक एक सामान बेच डाला साहब। अपने पाप में माँ बहन को क्यों बेच दिया? तुमने अपने घर में जो कुछ था वही नहीं भेजा, तुमने अपने देश को भेज दिया। इसमें 2-4 रुपए है, सब कहाँ का 2-4 रुपए है भैया? देख इसमें क्या है, तो शायद पुर्तगीज भाषा में, मगर इसकी पक्षी उसमें लगी है, ये देखो कोई जासूस है। अच्छा अच्छा, तो इस किस्म का चूर है तू, क्या चलती की अंदर की? वाह, मगर तुम्हारी और तुम्हारे मालिकों की बदकिस्मती से अब सोते जाग गए। प्रणाम, दरवाजा खोल, अब इसकी सोने की बारी है। कमांडर ना होता और तीनों की और सारे सफर की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं होती तो मैं भी शायद नहीं करता जब तू करता। अगर तू कमांडर होता तो मुझे यकीन है कि तू ही वही करता जो मैंने किया। शहर वो आधी और तूफान वाला शहर वो मुद्दा पर आंधी आए कि तूफान कोई कम नहीं है, यही आखिरी इम्तिहान साथियों। बेलगाम स्टेशन पर जब तुम पहुंचोगे तो स्टेशन के बोर्ड के पास एक नौजवान खड़ा चने चबा रहा होगा, वो तुम्हें ठहरने की जगह पहुंचा देगा। आज रात ही तुम्हें गोवा की सीमा को पार करना है। गोवा में हमारे साथियों को इत्तला दे दी गई है कि 7 हिंदुस्तानी आ रहे हैं, वो सब तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, उन्होंने कहा है कि 7 हिंदुस्तानी आ रहे हैं मगर हम तो सिर्फ 6 हैं। हम गोवा को भी हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं। तुम्हारा साथमा साथी तुम्हें कहां मिले? चलो चलो, कम ऑन, हरी अप हरी अप। यस, इट डजंट मैटर, इट्स ऑलवेज। हरी अप हरी अप, डू इट नॉट, कम ऑन कम ऑन। शुक्रम, चलो चलो भाई। नामाकुल आदमी है ये ड्राइवर, चला गया और खुदा हाफिज भी नहीं कहा। जंगी मोर्चे पे ये लखनवी तकल्लुफ नहीं चलता अनवर मियां, अब तुम वदी पहन के लड़ाई पर जा रहे हो,
तभी बेलगाम वाले लोगों ने अपने को फौजी बना दिया। चलो मगर जंगल के रास्ते से, लेकिन कोई न बोले, चुपचाप मेरे पीछे चले आना। आओ देख लिया। वो देखो वही, देखो हमारे गोली साथ लाइट से गिर देता है। बच्चे भी शामिल हैं। Yeah.
अरे उसका तो देखो यार, क्या से क्या हो गए, इनकलाब आ गया। इनकलाब आ गया? ये तो सचमुच का इनकलाब है। रब्बा ओ रब्बा, ये छोकरा समझ रहे थे वो तो छोकरी निकली। फूल लड़ाने के लिए डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड्स, पिस्टल्स, बॉम्ब्स, राइफल्स, रिवॉल्वर्स क्या लाए हो? हमारा सबसे बड़ा हथियार ये है। ट्राई कलर फ्लैग, इससे क्या होगा? तिरंगा एक निशानी है, हिंदुस्तान की एकता की, हिंदुस्तान की इज्जत की और हिंदुस्तान की ताकत की। हमें ऑर्डर मिला है कि 7 पुर्तगाली चौकियों पर छापा मारे और हर चौकी पर ये झंडे ले जाए। 7 झंडे और 6 हिंदुस्तानी? 7वां झंडा तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। 7वां हिंदुस्तानी के लिए। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। Yeah, but 7 Indians.
धन्यवाद मारिया। थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू। अरे पड़े पड़े, अरे ये तो मारा था क्या? मारा था के लोग हमको सुनूंगा, अरे राज्य सत्याग्रही इधर से की कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि पोर्तुगीज प्रोपेगेंडा झूठ है, हमारे हिंदुस्तानी भाई हमें भूले नहीं। तो हमारी मेहनत सफल हुई। चलो मारिया रास्ता दिखा। चलो भाई पहला झंडा तो लग ही गया। ये तो बड़ा आसान काम था महादेवन। हाँ, गोवा के इस जमीन पर पहला हिंदुस्तानी झंडा लहरा दिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या तू इस बात पर खुश नहीं है? ये तो पहला ही झंडा था, छह झंडे और बाकी हैं, और छह पुलिस की चौकियां। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू पंजिम। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। मरिया तुम भी देखो, मुझे तो लगता है इस चौकी के चारों तरफ जबरदस्त पहरा है। इट इज वेल गार्डन, इस बार इतना इजी नहीं होगा। लगता है कल रात के बाद ये लोग खबरदार हो गए। खबरदार हो गए हैं तो हो जाए, आज रात को हमला जरूर होगा। चलो पहले अंगन मियां, अब शेर शायरी भी छोड़ो और कुछ पेट पूजा कर लो। इस पूजा पर तो आपको भी कोई एतराज नहीं होगा। मारिया तुम नहीं खाओगी? मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। अच्छा तो ये ले लो। मुझे भूख नहीं है। क्या इसलिए कि मैं हरिजन हूं? ना। सुनोली औला कैसे मेघ तुले जयो ना, हजर कालो कुटिलो नागिनर जले और बंधो ना। आहारे आहारे। अरे मारिया तुम सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? सुबोध तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है। सच? ये सुनने अच्छा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं होता, ऐसे एक पुराना गीत याद आया। मगर हर एक सॉन्ग का कुछ ना कुछ तो मतलब होता ही है, बताओ ना। अच्छा तो सुनो। ए मेरी सुंदर आंखों वाली महबूबा, अपनी लंबी काली जुल्फे मत बिखरा, क्योंकि इनमें हजारों काले नाग बंधे हैं, इन जुल्फों के जाल में मुझको मत उलझा। तुम मरिया मैंने कोई गलत बात बताई? नहीं। वंस आई टू हैड लॉन्ग ब्लैक हेयर, मेरे भी बाल कभी घने और लंबे थे। और फिर तुम क्या हुआ? ये मत पूछो सुबोध, ये मत पूछो। बताओ ना। अगर तुम मुझे दुख देने नहीं चाहते सुबोध, तो ये मत पूछो। ये
यस यस यस, अब सच हिंदुस्तानी कभी नहीं आएगा, पर आए दिया वो सत्य दे आनस। ये आदमी को हम जंगल में पकड़ा है, इकड़े तिकड़े भागता था सब, जरूर कोई गुंडा मौली रहेगा। नहीं नहीं, वो सात हिंदुस्तानी आया ना सर, जरूर उनमें से कोई आदमी यही है, सात हिंदुस्तानी। सब ये कहता है ये जानता है सात हिंदुस्तानी कहाँ है, किधर है, किधर है सात हिंदुस्तानी। सब ये कहता है सात हिंदुस्तानी आकाश और धरती के बीच में लटके हुए हैं। ऐसे देखो तुम हमें बताएगा तो बहुत इनाम पाएगा। कौन हो, कौन हो तुम? सात हिंदुस्तानी। कर दो खलास। नहीं, यहां कोई खून खराबा नहीं होगा, मैंने इनके इंतजाम कर दिया। चलिए जनाब, क्यों डाल दो, ये मैं अपने बात रखना चाहता हूं। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं, तुम कौन होते मुझे ऑर्डर देने वाले? आज के दिन मैं तुम्हारा कमांडर, नहीं तुम्हारा कमांडर कमांडर मारता है। पूरा मार दूंगा, गोली मार दूंगा। नहीं दूंगा मरिया। दे दो। नहीं मरिया, नहीं दोगे। जाओ वापस जाओ, मैं इसे दबा के आती हूँ। तुम कौन होती हो मुझे हुक्म देने वाली? मैं हूँ सातवीं हिंदुस्तानी। तो क्या हुआ, हिंदुस्तानी तो मैं भी हूँ। मैं हूँ जिसने गोवा में जन्म लिया, मेरे फादर और अंकल पोर्चुगीज से लड़ते हुए मारे गए, और मेरा भाई जिसके मैं कपड़े पहनी हूँ वो आज तक उनकी कैद में है। तभी तो मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। इन छह गोलियों के साथ मैं कम से कम छह पुर्तगाली मार सकता हूँ। और छह पोर्चुगीज को मारने के लिए तुम सात हिंदुस्तानी की जान खतरे में डालोगे? अगर एक भी गोली चली तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। समझा, अब मैं इसे यहाँ गाड़ देती हूँ और हम ये जगह याद रखेंगे। जब हिंदुस्तानी फौजें आएंगी तो ये हथियार काम में आएंगे। चलो वापस चले। नील कहाँ है यार, मैं तो सोचता रहा ये मरिया किस पला की छोगी। एक ही कराटे चौक में उसने पिस्तौल छीन ली,
पिस्तौल? पिस्तौल तो मैं दबाया। अरे तुम तो दबाए थे यार, मैं उसे गया था फिर निकालने के लिए। पीछे पीछे चले आई, मेरे ख्याल से वो जाग रही। शांत रखा राम, मारिया हमेशा जागती रहती है, वो कभी नहीं सोती। साहब, आपने तो हमारे साथ आने का खामखाई कष्ट किया। शर्मा जी, आपको तो मैंने अभी तक कोई कष्ट नहीं दिया। जी जी, थैंक यू कमांडर साहब, हम तो बहुत थक गए। मरिया, अब तुम्हारा गांव कितनी दूर है यहाँ से? I seem to have lost my way. की? ऐसा लगता है मैं रास्ता भूल गई हूँ। मेरे हिसाब से हम कब का नवा गांव पहुँच गए होते? सर्वनाश, तो इतना घबराने की क्या बात है? नवा गांव नहीं तो पुराना गांव सही। हमारे लिए तो सब बराबर है। नहीं, नया गांव पहुँचना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी बोतल में थोड़ा सा पानी है, तुम लोग पी लो। क्यों, तुम नहीं पियोगे? नहीं, मैं जिस इलाके से आया हूं वहां हर बरस सूखा पड़ता है, इसलिए मुझे कम पानी पीने की आदत है। लो शर्मा जी। नहीं नहीं, तुम ही पियो। मैं जानता था। तुम क्या जानते थे? यही कि मैं हरिजन हूं, इसलिए तुम मेरा जूठा पानी नहीं पियोगे। ओए महादेवन, ज्ञान मुझे। बस बस, अरे जोगिंदर दा, औरों को भी जोड़ खाना है। थैंक यू। खा। ये ठीक है, इस पे चढ़ के हम काफी दूर देख सकते हैं। क्या इस पर चढ़ सकते हो? हाँ, ये इतना ऊंचा नहीं है, हमारे गांव में इससे ऊंचे ऊंचे पेड़। मैं बचपन में बंदर सरी के चढ़ जाता था, अब भी शायद चढ़ सकूं, मगर एक सीढ़ी की जरूरत है। ओए खुदा के बंदे, भला इस चंगल में सीढ़ी कहाँ जाएगी? तुम जो हाजिर हो मेरी सीढ़ी। महाराज के लोग भी हर पर मौला हो। चलो बहुत ऊंचे जाओगे मेरे दोस्त। हम महाराष्ट्र में बहुत ऊपर जा सकते हैं, लेकिन हमको ऊपर जाने के लिए तगड़े चौड़े पंजाबी कंधे चाहिए। हे पांडुरंगा। ओए सकाराम, दिखाई दिया? इधर उधर कोई गांव है? एक गांव तो दिख रहा है और उसके बीच मंदिर भी है। बस बस, फिर तो ये वही गांव होगा जो मैं ये तलाश कर रही है। गांव तो है मगर बिल्कुल खाली, कोई आदमी नजर नहीं आता। वीरू नाका,
सब लोग डर के मारे सब कुछ छोड़कर जल्दी से भाग गए? सवाल तो ये है किससे डर के? शायद हमसे। इसे भला क्यों डरेंगे? वो जानते हैं साथ हिंदुस्तानी उनके दोस्त हैं, उनके सहायता के लिए आए हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो हमें दूर से साथ हिंदुस्तानी नहीं साथ पुर्तगाली समझे हो। तो अब उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए? सब साथी गिरफ्तार हो गए। पोर्चुगीज ने गांव वालों पर बड़ा जुल्म किया, तभी तो ये लोग हमें भी पुर्तगाली समझे। हाँ, दूर से हमें देख कर जंगल में छुप गए। अरे मरिया, मरिया क्या हुआ? पोर्चुगीज आ रहे हैं। तैयारी है, घोड़े भी दिखाई दे रहे हैं, शायद कैवलरी मंगाई है। अभी तो घुड़सवारी आए हैं, साथ हिंदुस्तानी के लिए आगे चलकर उसको खाना भी मंगाना पड़ेगा। के सरा सरा, जो होना है सो होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय तुम हो मधु है। हिंदी की हत्या क्यों करते हो महादेवन?
कुछ अपनी भाषा में सुनाओ। क्यों, हिंदी भी तो मेरी भाषा है। आओ जी, राष्ट्रभाषा वो सबकी भाषा। मगर शायद ये ऐसा नहीं मानते। तात्पर्य ये कि कुछ तमिल वामिल में सुनाओ। कमांडर, उन्हें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कौन लोग, क्या कर रहे हैं? बहुत दूर है, ठीक तरह से दिखाई नहीं देता, शायद घास में छुपे। चलो हम सब चलकर देखें। कमांड, कमांड। तुम्हें किती करता? तोन का करता। तुम्ही पोर्तुगीज इंसामी लासा? ना ना, तो आमचे जबरदस्ती करता, वो सोल्डर आमचे पारो करता। ए तान किती आत? पांच हजार वरान गाडक द। कितल्या वरांचे आहे? सो वरांचे। तुम्ही असं करा, सो वरांचे वाचू नका, सात वरांचे वाचा। तुम्ही कोण? सात हिंदुस्तानी आहे ना? इन बेचारों से तो बेगार में घास कटवाई जा रही है, पुलिस की चौकी में ले जाना है। कितनी वास्ता? सोल्जर ने कहा है 6 बजे। और कमांडर आपने? 7 बजे, अंधेरा होने के बाद।
जोगिंदर साहब। कहो अनवर, क्या बात है? आपके ख्याल में वो पोर्चुगीज ऑफिसर सिर्फ बेहोश हो गया था या? बात की खबर तो मुझे मालूम नहीं। क्या तुम्हें उसकी चिंता है कि तुम्हारे हाथों शायद वो मारा गया? जी हाँ, वही। क्या मेरा ऐसा महसूस करना गलत है? नहीं वही, ऐसा क्यों समझते हो? ये तो सब जानते हैं कि मैं बुजदिल हूं, दिल का कच्चा। नहीं पुत्र, तुम्हारा गुनाह बुजदिली नहीं है, सच्चाई है, इंसानियत है। और फिर अगर तुम्हारे हाथों उसकी मौत हो भी गई है तो सिर्फ शर्मा की, अपने दोस्त और साथी की जान बचाने के लिए। ये किसी के धर्म में पाप नहीं है। ये क्या, ये दूरबीन मुझे क्यों दी जा रही? सिर्फ इसलिए कि आज कमांडर आप हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। मैंने कहा कमांडर जी, अब आपकी क्या आज्ञा है? मरिया, नक्शा निकालो तो अगला प्लान बनाए। आंधी आए के तूफान कोई गम नहीं है, यही आखिरी इंतहा साथियों, यूं बढ़ो जैसे लहरा के धारा बढ़े, ठोकरे खाए तो दिल हमारा बढ़े, इस तरह जम के तूफान में रखो कदम के कदम, चूमने को किनारा बढ़े, बढ़ के मंजिल का सुख चैन बन जाएंगी, ओ हो हो, बढ़ के मंजिल का सुख चैन बन जाएंगी, रास्तों की ये कठिनाइयां, साथियों साथियों साथियों, अजनबी मोड़ कांटों भरी रह गुजर, जाल नफरत के फैले हैं देखो जिधर, चुप रहोगे तो बढ़ जाएंगी दूरियां, बात करने से आसान होगा सफर, जिस जुबान में सुनाओ सुनाओ मगर, जिस जुबान में सुनाओ सुनाओ मगर, आज तुम प्यार की दास्तान, साथियों साथियों साथियों। भारत से हम प्यार करते नहीं, ठंडी लाशों का व्यापार करते नहीं, जिसका जो भी वतन है मुबारक उसे, हम कभी सरहदें पार करते नहीं, है ये धरती हमारी तो लहराएंगे, ओ हो हो, है ये धरती हमारी तो लहराएंगे, अपनी धरती पे अपना निशान, साथियों साथियों साथियों। Robinja, 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 Robinja,
ये है हमारे ऑफिसर, भगवान ने इन्हें आकाश से भेजा है। ये है हमारे साथी, बड़ी बहादुर लड़की है। नमस्ते जी। कहो जी, कैसे हो? अरे आप यहाँ? कश्मीर याद है? वो भी याद है। मिलो इनसे मिलो, ये हमारा नौजवान साथी, शायरी भी करते हैं और दुश्मन से भी लड़ते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिल करके कॉमरेड। क्या नाम बताया आपने? नाम तो मैंने बताया नहीं, नाम निशान जात पात धर्म सूबा सब ऊपर छोड़ाया हूँ। मेरा नाम, तुम्हारा नाम, इसका नाम, उसका नाम, सबका नाम हिंदुस्तानी। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आजाद गोवा में। अगर मैं जिंदा रही अरे क्या लड़कियों की तरह गले मिल रहा हो, चलो अपने साथियों को सलामी दो।
आईने में अपनी सूरत तो देखो। अरे आईना यहाँ कहाँ मिलेगा? आईना मौलाना साहब लीजिए आज के कमांडर आप। तो ये कमांडर साहब क्या ऑर्डर है आपका? कमांडर का हुक्म मानेंगे आप लोग? जरूर मानेंगे। जरा सोच लीजिए, काम कठिन है। बोलो भाई अनवर, क्या हुक्म है? काम मुश्किल ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। अरे ऐसा भी क्या कठिन काम है भाई? हम भी तो सुने। हम में से हर एक को नहाना होगा, अपने कपड़े धोने होंगे, शेव करना होगा। अरे वाह, हम क्या किसी के बरात में जा रहे हैं? यही समझिए, आज हम छठी पुलिस की चौकी पर हमला कर रहे हैं, दो दिन में हम पंजिम में होंगे, वहां भरे बाजार में हम सत्याग्रह करेंगे, झंडा लगाएंगे। गिरफ्तार, क्या तुम चाहते हो कि ऐसे मौके पर इन शक्लों के साथ हम गुंडे मवाली समझे जाएं? फिर तो तुम क्या चाहते हो, क्या समझे जाएं? साफ सुथरे सात हिंदुस्तानी। साफ सुथरे सात हिंदुस्तानी। मेरा बचपन, मेरी जवानी, मेरी आंखों की नींद, कभी तो मैं सो नहीं सकती, हंस नहीं सकती। तुम हंस सकते हो, सारी दुनिया हंस सकती है, मगर मैं नहीं हंस सकती, मैं नहीं हंस सकती।
राजेंद्र साहब। क्या है अनवर? मैं अब आगे नहीं जा सकता, मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। या अल्लाह, मेरी टांग कस के बांध दो जोगिंदर। गोली का जख्म गहरा लगा, कुछ आराम आया? अब तो आराम ही आराम है। अंदर क्या कह रहे हो? जिंदर साहब, मुझे यहीं मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं अनवर, ये हो नहीं सकता। चलो उठ, हिम्मत कर पुत्र, तुझे छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आज तू हमारा कमांडर है। तभी तो एक जान के लिए छह साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। या अली, जाओ जोगिंदर, ये मेरा हुक्म है। पानी पानी रख दिया, और कुछ? ये लीजिए, सारी जिम्मेदारी आपको सौंप दी। और ये मरिया को दे दीजिएगा, मेरी निशानी। चाहिए, चाहिए। जानवर, खुदा हाफिज। मेरा दिल कहता है हम फिर मिलेंगे। जोगिंदर, तुम्हारा क्या ख्याल है? शायद हमारा अनवर किसी गांव तक पहुंच गया हो। जोगिंदर, तुम क्या समझते हो? क्या वो मार के डर से पुर्तगालियों को हमारे बारे में सब कुछ बता देगा? कभी नहीं। तुमको कैसे मालूम है? मुझे मालूम है, क्योंकि हम जिंदा हैं। सकाराम को गांव में गए 5 घंटे हो गए, अभी तक खाना लेके नहीं आया। अरे वो देखो, सकाराम आ रहा है ना। मगर इसे हो क्या गया है? कुछ नहीं, गौ की हवा लगी है। यहाँ दारू बंदी नहीं है ना। उठो, ये कोई नाटक की तमाशा नहीं है। पूरे 5 घंटे के बाद आए हो, क्या कर रहे थे इतनी देर तक? 5 घंटे? मैं आपको एक एक मिनट का हिसाब दूंगा। आधा घंटा लगा मेरे को जाने को, ठीक। आधा घंटा लगा मेरे को गांव से वापस आने को, ठीक। अब 4 घंटे, 4। सवाल यह है कि वो कहां गए? कहां गए? अब याद है, सब कुछ याद है। 4 घंटे लगे मेरे को गोवा की आजादी के संघर्ष करने में। क्या बकवास है, इस हालत में तू आजादी की लड़ाई लड़ रहा था? आजादी की लड़ाई तो पूछूं भी लड़ सकते है जोगिंदर साहब, चैवना में भी चैवना, समझते हो? यहाँ का दारू खाना। मैं उसके बाजू से जा रहा था कि एक आदमी ने कहा श, तो मैंने कहा श, फिर उसने कहा तुम गोवा के लोगों को प्यार करते हो,
मैंने कहा काय बोले? फिर उसने कहा तुम गोवा के लोग प्यार कर चो, तुम गोवा की आजादी के लिए क्या कर सकते हो? मैं बोला आप तो जान दे सकता हूं, हमचा जान। फिर उसने कहा तुम अपना जान दे सकते हो, तो आओ मेरे साथ गोवा का पेनी का एक ग्लास पी के जाओ, सिर्फ एक। और फिर हम चेवना के अंदर चले गए। चेवना समझते हो ना? और जब उसके बाहर निकले तो चार घंटे फिर करके उड़ गए। चीजू पाओ चेवना में पेनी पीकर तुम ना जाने क्या क्या बकते रहे हो। चिंता मत करो देवी, ये सगड़ा आपसे दोस्त होता है, सब साथ हिंदुस्तानी के गुण गाए थे, मगर मैंने उनसे कह दिया कि अब हम साथ हिंदुस्तानी नहीं। एक दोस्त के पिछड़ जाने से अब अपन लोग छे हो गया, खाली खाली थे। वो बेवकूफ, तुमने उनको ये सब बता दिया? वो अपने दोस्त थे ना, तभी तो इतना ढेर सारा खाना दिया। सुखाराम तुम्हारा चप्पल कहाँ है? कितना मूर्ख हूं, अपने चप्पल वहां भूला है, अब उसकी बात सुन के कुत्ते हमारा पीछा कर सकते हैं। नहीं बोलो। अरे चाहिए पुलिस के शिकारी कुत्ते भूख रहे हैं, गांव के कुत्ते भी हो सकते हैं, लेकिन उधर क्यों आ रहे हैं? एक ही रास्ता है, अगर हम नदी को पार कर जाएं। जी ठीक है, कुत्ते पानी में बू नहीं सूख सकते, चलो। सुबोध ये संभालना, पर काम आएगी। क्या जा रहे हो तू? चलो भाई भाई आता हूं। Oh!
करा इसका लास्ट सपा। लास्ट सपा मंजे का है? आखिरी खाना जो उन्होंने सूली पर चढ़ने से पहले खाया। सूली पर चढ़ने से पहले? मारिया ये कौन है? ये मेरी मामा है। और इनकी गोदी में? ये मैं हूँ। सोच रही हूँ मारिया? सोच रही हूँ कब तक है हमारा घर सुनसान पड़ा रहेगा, कब तक ये गुलामी का मनहूस निशान हमारे खूबसूरत शहर पर लहराता रहेगा। बहुत दिनों तक नहीं लहरेगा मारिया। तुम्हें विश्वास है सुबोध? हाँ मुझे विश्वास है। बहुत ही जल्दी तुम्हारे इस पंजिम पर हमारा कौमी तिरंगा गांव की आजादी का ऐलान करेगा। मगर उसके बाद? फिर तुम्हें आराम से मर सकूंगी। मरने की बात नहीं, जीने की बात करो मारिया। मैं तो उस रात ही मर गई थी, अब तो मैं इंतकाम के लिए जीती हूँ और अपने गोवा की आजादी के लिए। उस रात तुम नहीं मरी थी मारिया, मरे थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारे मासूमियत के फूलों को बेदर्दी से मसल डाला। वादा करो मारिया, जब तुम्हारा गोवा आजाद हो जाएगा तो तुम अपने सुख के बारे में सोचोगे और अगर हो सके तो मेरे बारे में भी। सुबोध। हाँ मारिया। इन बातों के लिए बहुत वक्त पड़ा है सुबोध। वक्त तो बहुत कम रह गया है मारिया। मैं कल याद कर रही हूँ। ये क्या? अनवर के बारे में सोच रही हूँ। हाँ अनवर के बारे में और जोगिंदर के, बल्कि हम सब के बारे में। सात अनजाने जो गोवा में आकर इकट्ठा हुए, क्या ये किस्मत का खेल नहीं? सात अनजाने ना कहो मारिया, सात हिंदुस्तानी कहो। इकट्ठा होना ये इनकी किस्मत है। अल्लाह तुम्हारे पास है मारिया, भगवान अपने पास रख लो। कहाँ जा रहे? क्यों महादेवन, बड़े खुश नजर आ रहे हो। आज दिन ही खुशी का है ना? याद है अनवर ने कहा था कि आज के दिन पंजिम में हमारी बारात निकलेगी। ये लो, मैं भी तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। मगर ये तो हिंदी में है। मैं हिंदी बोल तो सकती हूँ मगर पढ़ नहीं सकती। एक दिन जरूर पढ़ सकोगी, हिंदी भी तुम्हारी तरह है। मेरी तरह? हाँ मारिया, तुम्हारी वजह, तुम्हारे गोवा की वजह से हम सब इकट्ठा हुए। हिंदी का भी यही काम है, मिलाप कराना। अच्छा मारिया, अकरम आज सबको क्या हो गया है? कुछ नहीं, वो इतने दिन के बाद तुम्हारा इतना अच्छा घर में रहने को मिला ना, बहुत खुश हो गया। मारिया ये कौन है? हम छोटा था एकदम ऐसा लगता था, खाली ये पार्टलून पहना और हम धोती पहनता था। ये मेरा भाई है जो पोर्चुगीज ने छीन लिया। ओ, कोई बात नहीं मरिया, ऐसा समझो उसके बदले में हिंदुस्तानी तुमको एक और भाई दिया। थैंक यू शकराम, ये तुम्हारी भेंट सबसे अच्छी है। हम तुमको अभी एक और भेंट देगा, तुम आओ हमारे साथ। ये लो इसे देखो, चमत्कार दिखेगा। चमत्कार? तो मनहूस पोर्चुगीज फ्लैग नजर आ रहा है। अरे देखती रहो, थोड़ी देर में हिंदुस्तानी तिरंगे में बदल जाएगा। टकराव सुबोध, टकराव कहां गए मुझे छोड़ के? खोल दो। मैं भी तो साथ में हिंदुस्तानी हूं। Hey! 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 H
हिंदुस्तानी को मालूम होना चाहिए कि हम हिंदी भाषा जानता है। हमको सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारा लीडर कौन है? कौन है तुम्हारा लीडर? तुम्हारा लीडर कौन है? पुढ़ारी। तो फिर मैं बताता हूं, तुम्हें तुम्हारा लीडर से मिलाता हूं। वो कहता है साथ हिंदुस्तानी का कमांडर वो है। वो झूठ बोलता है। कमांडर मैं नहीं, ये दोनों धोखेबाज है। कमांडर मैं, ये सब झूठ बोल रहे। असली कमांडर मैं नाई साहब, मी कमांडर है। साठ हिंदुस्तानी और पांच कमांडर, दो हिंदुस्तानी किधर है? बता दो हिंदुस्तानी किधर है? नहीं मालूम। बोलो इंडियानो, कैसे लगता है? हाँ तो इंडियानो, ये बताओ
तुम्हारे साथी का नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। तुमको गोवा में कौन कौन मदद किया? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा लीडर कौन है? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा गाइड कौन है? नहीं मालूम। तो फिर क्या मालूम है तुमको? तुमको हमारे मुल्क में आने के लिए कौन बोला? तुम्हारा मुल्क, ये हमारा मुल्क है। हाँ, हमारा मुल्क। यस, इसका जेब से जो डायरी निकली है, ट्रांसलेटर बोलता है इसका डायरी में इसका नाम पता कुछ नहीं है, ओनली उर्दू का पोएट्री है। उर्दू का पोएट्री है? यस सर, इसका पोएट्री में एक नाम बार बार आता है, अनवर। सर, मेरा ख्याल से ये पोएट है। पोएट है? तुम जा सकता है। अच्छा, तुम पोएट क्या कहते हो उसे? शायर? तुम शायर है? हमारे मुल्क में हर शख्स शायर है। शायर है? अभी हम बताता है शायर क्या होता है। तुम शायर है, हैं? अभी बताता है। पोएट हो, शायर? मैं तुमसे शेखन करना को चाहता। मैं भी पुर्तगीज में पोएट्री करता। ये जो लोग तुम्हारे साथ कर रहे हैं, मैं इसे हेट करता हूं, मगर आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई, तुम्हारा इतना कहना बहुत है, शुक्रिया। तो पोएट कैसा है? आज हम तुम्हारा बहुत बड़ा ऑनर करना मांगता। हम तुम्हारा पांव धुलाएगा ताकि तुम्हारा नाजुक पांव का ब्यूटी बाहर आएगा। नो नो सर, प्लीज नो। गेट आउट फ्रॉम हियर, यू फूल। मुझे बाहर निकालो। मैंने अपना काम किया। जा सकता है। तो तुम लोग नहीं बोले ना, मगर तुम्हारा एक साथी हमको सब कुछ बता दिया। कभी नहीं। उसका नाम जानना चाहते हो? उसका नाम है अनवर। मैं हमारे किसी साथी का नाम अनवर नहीं। सोच लो, उसने हमको सब कुछ बता दिया, बदले में हमने उसको छोड़ दिया, और अब तो रेलगाड़ी में बैठ के वो मजे से अपना घर जाता होगा। तुम भी अपना घर जा सकता है। सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। अटैक।
से इनके साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो जंगल में रह गया था, इसीलिए वो हर बात जानना चाहता था। उन लोगों का कभी इंतजार नहीं कर सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। जाओ तुम लेके आए लोग। शुक्र है डेढ़ महीने बाद तुम लोगों को जिंदा देख रहा हूं। सिर्फ डेढ़ महीना? मुझे तो ऐसा लगता था बरसों बीत गए। अरे तुम लोग तो सिर्फ पांच हो, मैंने तो छह भेजे थे। छट्टा? वो तो रद्दा निकला जाता था। आजाद भाई, ये शर्मा जी का अपना विचार है, इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं। सबूत क्यों नहीं? उसने दुश्मनों को सब कुछ बता दिया, सब कुछ। नामुमकिन है, आदमी को पहचानने में मैं ऐसी गलती कभी नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तानी रेंगते नहीं। I'm
अनवर, सात हिंदुस्तानियों में कोई गद्दार नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई। क्यों जोगिंदर, मेरे साथ हिंदुस्तानी बहादुर निकले ना। मगर रजाद साहब, सबसे बहादुर है सातवीं हिंदुस्तानी जिसे हम गोवा में छोड़ा है। कौन? मारिया? तुम उसे छोड़ा है, मगर वो जाकर कमांडोज में शामिल हो गई और एक पुल उड़ा दिया। शाबाश मारिया, तुम तो हमेशा डायनामाइट से खेलना चाहती थी ना। पुल तो उड़ा दिया मगर वो पकड़ी गई। सुना है कि 14 बरस की कैद के लिए उसे लिस्बन ले जाया जा रहा है। उसने कोर्ट में चिल्ला चिल्ला कर तुम लोगों के लिए एक संदेशा भेजा है। क्या संदेशा भेजा है? उसने कहा है, मेरे साथियों से कहना कि साथ हिंदुस्तानी फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हम भी मिलेंगे मरिया। हिंदुस्तानी, अब आप सिर्फ 6 रह गए। वो बेचारी आपका इंतजार करते करते चल बसी। उसके टूटे हुए दिल ने जवाब दे दिया, काश मैं उसे बचा सकता, काश आप वक्त पर आ गए होते। बाहों में बाहों रही
तकसीम क्यों, अपना घर है जहां रहना चाहे रहे। सरहदों और जबानों की तकरार में ओहो, सरहदों और जबानों की तकरार में गुम हो जाए हिंदोस्तान साथियों, गुम हो जाए हिंदोस्तान, गुम हो जाए हिंदोस्तान।